सीबीएसई 10th बोर्ड की इंग्लिश की पहली परीक्षा आज से शुरू हो गई है और परीक्षार्थी पटना के सेंटरों पर साफ तौर से बड़ी उत्सुकता के साथ प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने छानबीन की वह यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं परीक्षा सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का ख्याल रखा जा रहा है, तो वहीं परीक्षा सेंटरों पर आने वाले परीक्षार्थियों का सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज करवा कर ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। साफ तौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुद्धा कॉलोनी के एक स्कूल की, जहां परीक्षा का सेंटर पड़ा है। और साफ तौर से इस मामले को लेकर परीक्षार्थी क्या कह रहे हैं और स्कूल के बाहर मौजूद गार्ड क्या कुछ बता रहा है, आइए हम सुनते हैं। तैयारी हो गई है, पहला एग्ज़ाम है। हाँ, पहले पे इंग्लिश पेपर है। कहा जाता है कि लाइफ का पहला पड़ाव है। हाँ, कैसा प्रिपरेशन? अच्छा से कर लिया, अच्छा से, जितना रेफरेंस बुक था चैप्टर्स के अंदर जितना भी दिया था सब पढ़ लिए मैं। अब देखते कि पेपर नहीं, इतना नहीं सता रही है। अब देखते ये पेपर कैसा आता है। हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ भरपूर हो रहा है, ठीक ना? पूरी तरह से मुस्तैद। हाँ, पूरी तरह से मुस्तैद। अच्छी तैयारी है, तो हम लोग रेडी हैं देने के लिए, सब अच्छा ही है। कितना सता रहा है? नहीं, धूप सता नहीं रहा उतना, क्योंकि तैयारी पूरी है। छात्रों के जीवन के पहला पड़ाव की परीक्षा कहे जाने वाली सीबीएसई 10th की परीक्षा की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो गई है और साफ तौर से देशवा न्यूज़ भी सीबीएसई के सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। फिलहाल देशवा न्यूज़ के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।